प्रिय डूंगरपुर वासियों, हम इस समय कोरोना की एक चुनौती से ऑलरेडी लड़ी लड़े हैं। इसी के साथ में अभी ताऊते करके जो चक्रवाती तूफान है वो भी हमारे ज़िले में अगले 2 दिन में आने की संभावना है। और जैसा कि आप सबको विदित है, आज सुबह से पूरे ज़िले में बादल छाए हुए थे और दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक ज़िले के विभिन्न तहसील क्षेत्र में बारिश हुई है। मुझे बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि आकाशीय बिजली से अभी तक हमारे पास में 3 जनों के मरने की सूचना है। और एक जगह परिजनों से बात हुई है तो कुछ बच्चे एक आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे और उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी डेथ हुई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके इस तूफान के दौरान या बारिश के मौसम में अपने घर से बाहर नहीं निकलें। छोटे बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनको घर के अंदर रखें, क्योंकि हमारे साथ ये हादसा हो चुका है तो आने वाले 2-3 दिन में ऐसी दोबारा से कोई घटना नहीं हो। साथ ही साथ आज सभी SDM, तहसीलदार, SHO व अन्य अधिकारियों को VC लेकर मैंने और SP साहब ने सारी चीज़ों के बारे में अवगत करा दिया गया है। और प्रशासन अपने स्तर पर JCB, हाइड्रो, दूसरे जो मशीन्स हैं, ट्री कटर, आवश्यक जितने भी संसाधन हैं वो जुटा रहा है और काफ़ी अच्छी हमारी तैयारी है। आप भी इसमें सहयोग करें और सभी सरपंच गण से, विधायक गण से और जो जिले के प्रबुद्ध नागरिक गण हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आने वाले 2-3 दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सूचना सभी तक साझा करें, घरों से बाहर नहीं जाएं, स्वयं का भी ख्याल रखें, आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं उनको भी अवगत कराएं और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।